गोरखपुर में जब भी कुछ अलग होता है तो हमारी कोशिश रहती है कि दिखाया जाए। आज जितने भी कंप्यूटर पढ़ने वाले बच्चे हैं, जितने भी गरीब परिवार के बच्चे हैं और जिनको लगता है कि जिंदगी में कंप्यूटर की पढ़ाई जरूरी है, उनके लिए साहब बहुत अच्छी खबर है। आप वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आज एक ऐसा खुलासा हो रहा है गोरखपुर दस्तक पे, कुछ अलग बताने की कोशिश हो रही है। तो चलिए अंदर चलेंगे, बातचीत करेंगे। और आप तो जानते ही हैं गोरखपुर में साहब जब भी कुछ अलग होता है तो हम पहुंच जाते हैं। चलिए अंदर चलते हैं, बातचीत करते हैं, सर से पता करते हैं और तमाम सी चीजें आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस वक्त हम गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हाटा बाजार में है। जिस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है ना, हमेशा से अलग ये लोग करते रहे हैं और इस बार भी बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि क्या हो रही है, अंदर चलेंगे, बातचीत करेंगे और आप समझेंगे कि जिंदगी में कंप्यूटर की पढ़ाई तो जरूरी है साहब, लेकिन गरीब परिवारों के लिए कुछ अलग सोच रहे हैं ये लोग। तो चलिए अंदर चलते हैं, बातचीत करते हैं। गोरखपुर दस्तक पे बहुत बहुत स्वागत, क्या नाम है आपका और जिस तरीके से आज हम बात करने आपसे आए हैं, क्या अलग कर रहे हैं आप, थोड़ा हमें बता दीजिए। सबसे पहले मेरा नाम कुणाल मिश्रा है और मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, ठीक है। अपने मार्केट में हमारा गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो चल रहा है सबसे नंबर वन चल रहा है, तो यहाँ पे जो मध्यम वर्गीय बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कंप्यूटर शिक्षाएं नहीं ले पाते हैं, जैसे आपको भी पता है आज मार्केट में जो है कंप्यूटर कोर्स करने के 10 से 12 हज़ार रुपये कम से कम मिनिमम खर्च आपका लग ही जाता है जी जी। तो उसी कोर्स को बच्चा जो है यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से कम फीस में कर सकता है। उसको करने के लिए छोटा सा एग्जाम रखा गया है, ठीक है ना। इसमें केवल पहले से 8वीं लेवल का उनको छोटा सा टेस्ट देना पड़ता है, लिखना पढ़ना कुछ नहीं होता है, केवल मार्कशीट पे पेपर होता है, उसमें केवल आपको उन बच्चे को गोला भरना रहता है। तो क्या सवाल होंगे उसमें? क्वेश्चन पेपर जो होते हैं पहले से 8वीं लेवल के केवल आते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन बच्चे को हिंदी मैथ से मिलते हैं, 15 क्वेश्चन उसको इंग्लिश से मिलते हैं और 20 क्वेश्चन जीके से जनरल नॉलेज से मिलते हैं, ठीक। टोटल क्वेश्चन हुआ आपका 50। इसमें फॉर्म के माध्यम से आप देख भी सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है 50 क्वेश्चन की परीक्षा होती है। ये पेपर जो होता है हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में दोनों में होता है। अच्छा। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी मीडियम को पेपर देंगे, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम को पेपर देते हैं, ठीक है। जो बच्चे इस परीक्षा में 91 से 100 नंबर लेके आते हैं, 91 से 100 के बीच में नंबर आते हैं, उनकी पर मंथली फीस जो पड़ती है हमारे यहाँ केवल 50 रुपीज पड़ने वाली है। पर मंथली 50 रुपीज पड़ने वाली, चाहे वो डीसीए करेगा, चाहे वो डीसीए करेगा, चाहे वो एमडीसीटी कर सकता है, कोई सा भी कोर्स कर सकता है जो इस प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, ठीक है। सुन रहे हैं आप लोग, अगर आप 91 से 100 के बीच में अगर इस परीक्षा में नंबर ला दिए ना तो मात्र 50 रुपए फीस लगेगी। और क्या है सर से जानते हैं? हाँ, जो बच्चा सेकंड आता है, जैसे मान लीजिए जो बच्चे फर्स्ट में नहीं आ पाते हैं, ये वाला स्कॉलरशिप वाला, हाँ स्कॉलरशिप जो होता है, इसमें जो बच्चे 91 से 100 के बीच नंबर लेके आते हैं, फर्स्ट लेके आते हैं, उनकी पर मंथ 85 रुपए होती है, लेकिन स्कॉलरशिप तब मिलेगा जब बच्चे का 80% अटेंडेंस सेंटर पे रहेगा। अच्छा, अच्छा। उसे 500 का स्कॉलरशिप भी लास्ट में दिया जाएगा कोर्स कंप्लीट होने के बाद। स्कॉलरशिप भी है साथ में, 50 रुपीज का आपको फीस भी है। जी जी, इतना कम में पूरा। हाँ, लेकिन बच्चे की अटेंडेंस 80% इंस्टीट्यूट पे होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा पढ़ने वाला मेहनती होगा उसी को स्कॉलरशिप दिया जाता है, ठीक। ये जो बच्चे सेकंड क्वालिफाई करते हैं 81 से लेकर 90 नंबर के बीच में लाते हैं, उनकी पर मंथ फीस जो पड़ने वाली हमारे यहाँ केवल 100 रुपीज पड़ने वाली है। 100 रुपीज मंथली में कोई सा भी कोर्स कर सकता है, ठीक। जो बच्चा थर्ड क्वालिफाई करता है 71 से लेकर 80 के नंबर मिला है, तो उसकी पर मंथ जो फीस पड़ने वाली है केवल 250 रुपए पड़ने वाली है। जो बच्चे फोर्थ रैंक पे आएंगे 61 से 70 नंबर के बीच में लाते हैं, उनकी फीस जो पड़ने वाली 350 मतलब 350 रुपए पर मंथ देके कोर्स कर सकता है। और जो बच्चे के नंबर फिफ्थ रैंक पे आएगा, मान लीजिए बच्चा पढ़ने में कमजोर है, आप उसे गरीब वर्ग से आते हैं, पढ़ने में भी तेज नहीं है, तब जहाँ पे आप छूट चाह रहे हैं तब भी जो बच्चा 51 से 60 नंबर के बीच में लेके आता है, उसकी फीस जो हमारे यहाँ पड़ती है केवल 450 रुपए मंथली पड़ती है जी। अगर यही कोर्स आप मार्केट में करने जाएंगे या हमारे इंस्टीट्यूट में करते हैं, उसकी एक्चुअल फीस हमारे यहाँ 1000 पर मंथ पड़ती है, मतलब एक साल का आपका 12 से 14 हज़ार रुपये मिनिमम लग जाता है। उसी कोर्स को बच्चे कम से कम फीस में कर सकते हैं, यानी एक महीने की फीस अगर 1200 रुपया महीना अगर जोड़ा जाए तो सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है। 1200 रुपया महीने देके आप कंप्यूटर पढ़ते हैं, तमाम कोर्स भी करते हैं, CCA, DCA, MDCT, ये तमाम सी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो इससे ना सिर्फ आपके परिवार को राहत मिलेगी बल्कि आपको स्कॉलरशिप जीतने का भी मौका मिल जाएगा। और तमाम देखिए फीस के तमाम स्ट्रक्चर सर समझा रहे थे और तमाम सी चीजें सर और भी समझा दीजिए। हाँ, इसके साथ में जैसे आपने ट्रिपल सी का नाम लिया हुआ है, जैसे ट्रिपल सी अगर जो बच्चा मार्केट में करना चाहता है, जैसे मान लीजिए आप केवल ट्रिपल सी ही कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट जो 3500 से लेकर 4000 रुपए लग जाता है। जो बच्चा ट्रिपल सी करना चाह रहा है
इस परीक्षा के माध्यम से ट्रिपल सी उसको ऐसे करने का मौका मिले, जो बच्चे से एडीसी मान लीजिए कोर्स कर रहा है, ठीक है, उसका ट्रिपल सी का ऑनलाइन पेमेंट कर देगा फोन से, उसकी प्रिपरेशन भी हम लोग फ्री में करवा देते हैं। बहुत ट्रिपल सी बच्चे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत कोर्सेज हमारे पास में 5 कोर्स हैं, इसमें से बच्चा अगर चाहे एडीसी कर सकता है, 1 साल का होता है, उसके बाद में एमडीसीटी होता है, मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये भी 1 साल का होता है। छोटा बच्चा पढ़ने वाला है, 7th में पढ़ रहा है, 8th में पढ़ रहा है, उसके लिए जो होता है बेसिक कोर्स होता है 3 महीने का, जो उससे अपर क्लास के बच्चे हैं, 8th में पढ़ने वाले 9th में बच्चे हैं, उनके लिए डीसी होता है 6 मंथ का, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस का फुल नेम होता है। यानी गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे तमाम सी चीजें ये हो रही है। सर कोई सी कंपनी से आप लोग अटैच हैं, कैसे पूरा ये? एक संस्था है जो करवा रही कोर्स। एक्चुअली गुरुकुल इंस्टीट्यूट पे फीस जो है महंगी लगती है, लेकिन ये पेपर जो करवाया जा रहा है संभीम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट की तरफ से कराया जा रहा है, तो इस संस्था के माध्यम से बच्चों को छूट में पढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन इसमें एक लिमिटेड डेट भी है। इस पर मतलब इस प्रतियोगिता परीक्षा में बच्चे जो केवल 5 तारीख तक ही भाग ले सकते हैं, क्योंकि 8 सितंबर को इसका एग्जाम है। यानी 8 सितंबर से पहले, 8 सितंबर से पहले आपको कहीं ना कहीं से फॉर्म फिलअप करना होगा। 5 तारीख लास्ट डेट है, 5 तारीख, 5 तारीख से पहले फॉर्म फिलअप कीजिए। ये देखिए, ये सर ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, आप इसे भरेंगे और इसके बाद सोचिए कितनी बड़ी चीजें हैं। आप तमाम कंप्यूटर कोर्स करते हैं, बड़े महंगे महंगे कंप्यूटर कोर्स करते हैं, लेकिन जो गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट दे रहा है, वाकई में नाम जैसा है वैसा काम है। और लगातार गुरुकुल वाले अलग तो करते ही हैं, लगातार वीडियोस भी आप देखते होंगे, लेकिन जिस तरीके से ये फॉर्म फिलअप है, मुझे ये बड़ी अचंभे चीज लग रही है सर, कि आप एक नंबर भी अगर पा गए तब भी आपका 750, जो आप जो फीस 1200 की है वो 750 में मिली। सर ये 750 जो फीस लगती है इस सिटी में लगती है। अच्छा, ये ग्रामीण एरिया है, जो कंपनी हमारा जो है हर चीज के बच्चों का ध्यान रखती है। इस प्रोस्पेक्टस की फीस जो एग्जाम होती है उसकी मार्केट में फीस 200 रुपए लगती है, लेकिन अभी जो गुरुकुल स्टूडेंट में बच्चा फॉर्म भर रहा है उस माध्यम से केवल 50 रुपए में एग्जाम भी दे सकता है। यानी जो शहर वाले हैं वो 200 और यहाँ पे सिर्फ 50, सिर्फ 50 रुपए में, मतलब 50 रुपए में आपका एग्जाम भी हो जाएगा, आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, आपकी पढ़ाई भी चेक कर सकते हैं आप, और आपका जैसे नंबर आएगा उसके नंबर अकॉर्डिंग अपना कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ने में कुछ भी नहीं आता है, आप एकदम मतलब पढ़ाई की कमजोर चल रही है, आप इस एग्जाम में केवल बैठ जाते हैं, तो फीस जो है आपकी 50 से 60% ऑफ हो जाएगी। काश हमारे जमाने में होता साहब। लगातार वीडियो जो देख रहे हैं ना, मुझे पता है आप लोग के अंदर तमाम से सवाल हैं, लेकिन बात करेंगे सर से, बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थोड़ा सर से बात कर लेते हैं। सर गोरखपुर दस्तक पे बहुत बहुत स्वागत। और आज इस तरीके से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अलग कर रहा है, लगातार अलग अलग चीजें यहाँ पे होती रहती हैं, सर से कैसे जुड़ा हुआ और जिस तरीके से फॉर्म फिलअप आप लोग करा रहे हैं, 5 तारीख तक दी गई है, अभी से क्या फॉर्म फिलअप हो रहा है, क्या चीजें अभी से प्रोसेस में है? आप जी दिव्यांश, आप गोरखपुर दस्तक को देखने वाले सभी दर्शकों का नमस्कार, और आपने समय निकाल के आया, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांश। और हमने जो स्कीम हमने लाई हुई है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, और हमारे यहाँ बच्चे फॉर्म भर भी रहे हैं, फॉर्म भर के जमा भी कर चुके हैं, ठीक, और इसका डेट जो है 5 सितंबर तक लास्ट डेट इसका है, और फॉर्म भर के जमा करने के बाद उसका जो डेट रखा गया एग्जाम का, वो आपका 8 तारीख का डेट रखा गया है, और संडे का डेट है, और इसमें एडमिट कार्ड में सारा कुछ रहेगा, कब आपको एग्जाम है, कैसे देना है, क्या लेकर के आपको आना है, ठीक। कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं फॉर्म कॉन्टेक्ट करने के लिए? जो है आप कोई सेंटर से फॉर्म ले सकते हैं, ठीक, और यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पे जो एक नंबर शो करेगा, नंबर पे कॉल करेंगे, ठीक, तो आपको बता दिया जाएगा आपको फॉर्म। यानी आपको गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा, तो सर थोड़ा पता बता दीजिए। ये गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपका हाटा बाजार में जो है गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपका अवेलेबल है। तो यानी सोचिए कितनी बड़ी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं, और वाकई में जिस तरीके से तमाम कंप्यूटर कोर्स होते हैं, लगातार कंप्यूटर कोर्स के बारे में आपने जाना होगा, कई लोग ऐसे होंगे जो अलग अलग कंप्यूटर संस्थान में पढ़ते होंगे, उन्हें पता है, लेकिन एक गरीब परिवार का दर्द क्या होता है, इस गरीब परिवार कैसे अपने बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन आज गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और सनबीम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट ने मिलकर जो मुहिम चालू की है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके सर। लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, तो सिर्फ यहीं के लिए है गुरुकुल या और भी जगह पे ये संस्था काम कर रही है? जो है हमारी ऑल ओवर इंडिया काम करती है। अच्छा। आप यहाँ से चले जाएंगे गोरखपुर में हमारे सेंटर चलता है, उसके बाद में आपका बांसगांव में ब्रांच हमारी चल रही है, फिर आप बढ़ेगंज में जाएंगे वहाँ भी चल रही है, मतलब ब्रांच इसकी ऑल ओवर इंडिया चलती है। सिकरीगंज में आपकी चल चुकी है, उसके बाद में लोहरिया में आप जाएंगे वहाँ भी चलती है, उसके बाद नौतनवा में हो गया आपका अड्डा, मतलब हर जगह ऑल ओवर इंडिया लगभग ब्रांच चल रही है। लेकिन ये जो वीडियो देख रहे हैं सिर्फ गुरुकुल के लिए है, हर जगह
योजना का अलग अलग स्कीम होता है, यहाँ पर भी फीस जो आपकी पड़ती है, जो बच्चे पढ़ते हैं वो जो है 800 रुपए 900 रुपए 1000 रुपए महीने देके ही पढ़ते हैं, लेकिन ये लिमिटेड बच्चों के लिए है, केवल लिमिटेड सीट है, केवल लिमिटेड बच्चों के लिए है बस। मतलब 5 सितंबर के पहले पहले जो फॉर्म भर देगा केवल उसी के लिए, उसके बाद जो बच्चा आएगा उसकी फीस वही पढ़ने वाली 800 रुपए मंथली। हाँ, यानी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए स्कीम है। और खास तरीके से कहा कि लगातार अलग अलग स्कीम्स पे काम हो रहे हैं खासकर गरीब परिवार के बच्चों के लिए। सर किसको किसको फायदा ये इसका मिल सकता है, थोड़ा सा आज आप बता दे तो बढ़ाइए। देखिए दिव्यांश, क्या है कि ना स्कीम हमने लाने का मेन उद्देश्य ये था ना कि जो गरीब बच्चे जो होते हैं, जो पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं और कुछ आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए हमने इस स्कीम को लाया है। ठीक, तो इसमें बच्चे, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर भी चुके हैं, फॉर्म भर भी रहे हैं। ठीक, और जिनको भी फॉर्म लेना है वो गुटुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हांटा बाजार पे आकर के ऑफिस से वो फॉर्म ले सकते हो। फॉर्म अवेलेबल है और फॉर्म जो है भरा जा रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है, फॉर्म देख सकते हैं कि फॉर्म आप ये देखिए, फॉर्म बच्चे भर चुके हैं। कुछ जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास ये मौका है कि वो जल्द से जल्द गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे आए, नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें और ये फॉर्म फिलअप करके आप भी ऐसी स्कीम का लाभ ले सकते हैं।